बिजनौर के चांदपुर में श्री राम सेवक मंडल रामलीला कमेटी द्वारा दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया है। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। करीब 35 फीट रावण और 30 फीट मेघनाथ के पुतलों का जिला पंचायत अध्यक्ष चोगेंद्र चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह ने दहन किया। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष विकास गुप्ता और फरोकी पूर्व विधायक कमलेश सैनी भी मौजूद रहीं। चांदपुर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान रामलीला मैदान में रावण और मेघनाथ के करीब 35 और 30 फीट के पुतले लगाए गए। श्री राम सेवक मंडल रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मैदान में राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। सुबह से ही लोग रामलीला मैदान पर दशहरा पर्व देखने के लिए पहुँचने लगे थे। रामलीला मैदान पर ही मेला लगा था। रामलीला मैदान में दशहरा पर्व पर हजारों की भीड़ रावण दहन देखने पहुंची। रावण दहन का मुहूर्त शाम करीब 5:30 बजे से 7 बजे के बाद तक का था। दशहरा पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह चांदपुर पहुंचे। करीब 6:10 पर चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह ने रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। इस दौरान श्री राम सेवक मंडल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विकास गुप्ता और फरोकी भाजपा विधायक पूर्व भाजपा विधायक कमलेश सैनी सहित कमेटी के पदाधिकारी सदस्य व हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रामलीला में विजयदशमी दशहरा का पर्व देखने हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी।